बिसमीकुम बी एस सी आज हम देखेंगे कि एक रिपोर्ट कैसे लिखते हैं आपके पेपर में एक टेन मार्क्स की या शायद फिफ्टीन मार्क्स की एक रिपोर्ट इंक्लूडेड होती है तो रिपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ी फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस में आई है तो कुछ चीज़ें देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं एक चीज़ आपने याद रखनी है कि रिपोर्ट हो या एप्लीकेशन हो या लेटर ये सब लेटर के पार्ट्स हैं या लेटर की फॉर्म्स हैं डिफरेंट जो लेटर आपको लिखन लिखने को दिया जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनफॉर्मल लेटर लेटर की एक मिसाल होती है एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर की एक मिसाल होती है जो आप रस्मी तौर पर किसी अलादेदार को लिखते हैं किसी अपने सीनियर को लिखते हैं और रिपोर्ट भी एक ऐसी फॉर्मल एक ऐसा फॉर्मल लेटर ही है जो आप किसी ऐसे बंदे को लिखते हैं जिससे वो रिपोर्ट कंसर्न होती है एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये पार्ट्स जो हम रिपोर्ट के पढ़ रहे हैं या आपके बीएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं जो एक्चुअल फील्ड रिपोर्ट होती है उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है लेकिन ये वो रिपोर्ट है जो कि आपसे रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम में तो सबसे ऊपर आप डेट मेंशन करते हैं जैसे कि एक लेटर में होता है उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस जैसे आप लेटर में लिखते हैं उसके बाद इसमें थोड़ा अन ये है कि रिसीवर एड्रेस के नीचे फ़ौर आपने अपना एड्रेस देना होता है कि आप कौन है और किस सिलसिले में रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके बाद आता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद आप इंट्रोडक्शन देते हैं इसमें एक और चीज़ डिफरेंट है कि इसमें आप इंट्रोडक्शन में हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन और उसको अंडरलाइन करेंगे नॉर्मली हम लेटर में हेडिंग नहीं देते इंट्रोडक्शन के बाद आएगी उसकी बॉडी जिसमें आप उसके सारे मेन पॉइंट्स लिखेंगे बॉडी में आप दो या तीन पैराग्राफ में अपना जो भी आपने रिपोर्ट पेश करनी है उसको आप प्रजेंट करेंगे उसके बाद रिकमेंडेशन देंगे अगर ज़रूरी होंगी अगर कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आपकी सजेशन की ज़रूरत है तो आप अपनी रिकमेंडेशन या सजेशंस देंगे और एंड पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे कुछ टिप्स हैं रिपोर्ट लिखने की वो जी ज़रा गौर से देख लें आमतौर पर फॉर्मल राइटर्स के बरक्स इस जो रिपोर्ट है इसमें नेम्स और प्रोनाउंस जो हैं वो लिखे जाते हैं नॉर्मली जब हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा नाम या हमारा प्रोनाउन वहाँ मेंशन ना हो और अगर हो तो हम एज़ थर्ड पर्सन उसे बयान करें लेकिन रिपोर्ट में आपने अपना नाम और अपना प्रोनाउन यूज़ करना होता है ये लाजमी होता है कि कौन पर्सन ये रिपोर्टिंग कर रहा है दूसरा एक सेंटेंस में एक आइडिया दें एक सेंटेंस में बहुत से आइडियाज़ देने से इज्तनाव करें तीसरा जो इसी का हिस्सा है जितना क्लियर हो सकता है क्लियर हो और स्पेसिफिक हो अबाउट सब्जेक्ट इधर उधर की बातें ना करें सीधी सीधी रिपोर्टिंग करनी है बिलफर्ज़ आपने अपने आ, इलाके के खस्ताहाल हाल रोड्स पर रिपोर्ट करनी है तो आप जितने सादा तरीक़े से स्टैटिस्टिक्स या अपनी बात रख सकते हैं उतने सादा तरीक़े से करेंगे जितनी सिंपल लैंग्वेज होगी उतना ही आ, अच्छी रिपोर्ट कंसीडर की जाएगी ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स मतलब वो फैक्ट्स लिखें जिनको देखा जा सके कोई एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्स ना लिखें ऐसे फैक्ट्स ना लिखें जिनका ताल्लुक दिमाग या जहनी तौर पर हो और उनका ज़मीनी हक़ाइक से कोई ताल्लुक ना हो मतलब अगर आप रोड्स की कंडीशन लिख रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने मीटर रोड जो है वो टूटा हुआ है वो उन मसाइल का तस्करा उन जहनी मसाइल और उन साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स का तस्करा ना करें जो उस रोड पर ट्रेवल करते हुए होते हैं पैराग्राफ्स में लिखें हमेशा कोशिश करें कि बुलेट्स कम लिखें मतलब बुलेट्स होती हैं वो जो पॉइंट्स आप बनाते हैं बुलेट्स कम लिखें कोशिश करें हो सके तो पैराग्राफ में लिखें और सबसे हम एक्टिव वॉइस में लिखें नॉर्मली हम फॉर्मल लेटर्स में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव वॉइस हो लेकिन आ, रिपोर्ट जो है वो एक्टिव वॉइस में लिखी जाती है अगर आप एक्टिव वॉइस में रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो ये कुछ अच्छा कंसिडर नहीं होगा इसका मेन पॉइंट ही ये है कि आपने इसे एक्टिव वॉइस में लिखना होता अच्छा जी जब आप लिख लेंगे आपको पता है हमारे हाँ जो रिपोर्ट और एप्लीकेशन का वो कुछ ख़ास ट्रेंड है इसमें जो डेट है वो इसकी राइट हैंड साइड पे आएगी जिसमें आप मंथ का नेम और ट लिख के बाद उसके लिखते हैं और टू जो है वो लेफ्ट हैंड पे आएगा उसके बाद स्पेस दे के रिसीवर का नाम और उसकी जो जगह है वो आएगी उसके बाद आप स्पेस देंगे उसके बाद फ्रॉम लिखेंगे और फ्रॉम के बाद कॉलन डाल के सेंडर का नाम लिखेंगे कि आप कौन हैं भेज क्यों हैं एक यहाँ पे स्पेस नहीं थी एक लाइन छोड़ेंगे आप और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट और रिपोर्ट ऑन को अंडरलाइन करेंगे कि किस चीज़ की रिपोर्ट है फिर एक लाइन छोड़ेंगे और सर लिखेंगे उसके बाद एक लाइन लिखकर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसे अंडरलाइन करेंगे और एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लेंगे रिपोर्ट का उसके बाद आप बॉडी जो है बॉडी के लिए आप बॉडी की हेडिंग नहीं देंगे बल्कि उसके जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनके दो तीन चार हेडिंग्स के तहत उनको लिखेंगे हेडिंग्स आप अंडरलाइन करेंगे एंड पर आप सजेशन या रिकमेंडेशन देंगे और ऊपर लिखेंगे कि ये सजेशन हैं या रिकमेंडेशन हैं और उसको अंडरलाइन करेंगे और फिर यहाँ पर आप बुलेट्स यूज कर सकते हैं यानी पॉइंट पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री और उसके बाद फिर आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे और अपने सिग्नेचर और एक्स वाई जी लिखेंगे इसलिए क्योंकि आप नहीं मेंशन कर सकते कि आप कौन हैं एग्ज़ाम में इसके अलावा आजकल का जो पॉपुलर राइटिंग स्टाइल है हर किस्म के लेटर्स में वो है लेफ़्ट लाइन और लेफ्ट लाइन में ये सब चीज़ें बिल्कुल इंतहा लेफ्ट पे चली जाती हैं और बजाय आप टैब्स या इंडेंट्स या छोटी स्पेस देने के पूरी पूरी एक लाइन छोड़ते जाते हैं और यही कुछ लिखेंगे तो इस तरह आपने रिपोर्ट लिखनी है कुछ रिपोर्ट्स मैं आपसे शेयर करूँगी आपके जैसे कहते हैं प्रैक्टिस के लिए लेकिन बाकी रिपोर्ट्स में आपको असाइनमेंट दूंगी और आप खुद से रिसर्च करके उन टॉपिक्स पर रिपोर्ट्स लिखेंगे